के साथ उनके साथ ही उन्होंने सालों साल काम किया होता है। तो ये बेचारे जो लोग हैं इन लोगों को पता नहीं है कि ये कहाँ जाए और किससे क्या बात करें। पुलिस कंप्लेन करी है, एफआईआर हुई है, मगर कोई मैम कैन यू प्लीज मोर स्पेसिफिक। एफआईआर भी पब्लिक डोमेन में नहीं हो, दैट इज ही हैव द एफआईआर, वी हैव एवरीथिंग ओवर देयर, बट वी कैन नॉट दिस यस इट कैन बिकॉज़ अनलेस दिस वी कैन नॉट टेक, बट द सिचुएशन इज सो ग्रेव कि अभी एक लड़की है जो अभी आ रही है, वो पिछले आठ महीने से उनके ब्रदर को कैंसर था, उन्होंने 18 साल यहाँ काम किया, उनकी मदर जो है वो उन पर निर्भर है, मुश्किल से 42 साल की उम्र में उनकी शादी हुई, अब उनको ये पता चल गया कि इनकी शादी हो गई, अब इनके ऊपर जिम्मेवारी बढ़ गई, शायद इनको आने में दिक्कत हो, और उस स्थिति में अब उनसे उन्होंने अनड्यू एडवांटेज लेने के लिए पहले तो कमेटी में भी ऐसे बोलना शुरू करा कि अच्छा अब तो तुम्हारी बड़ी मौज हो रही है, अब तो तुम्हें छुट्टी लेनी पड़ेगी ना मौज करने के लिए, तो इस तरीके से उसको पहले इंस्टिगेट करना शुरू किया, और जब उसने कंप्लेन करी तो पिछले 8 महीने से उसको तनख्वाही नहीं दी जा रही, मतलब कोर्ट में पहले आईसीसी से बाहर निकलेगा तो कंप्लेन कोर्ट में जाएगी ना, आईसीसी ने भी सब अपने कार्य पूरा खत्म कर रही है, कंप्लेन को अगले वो खत्म करे तब तो वो उसके ये फैसला होगा कि जो ये लेटर है उसने क्या किया है, ठीक है।